दोस्तों, जो दिवाली पे हम लड़ी को ख़राब समझ के फेंक देते हैं, आज हम उस लड़ी को यूज करेंगे, कैसे करेंगे। और दोस्तों, बहुत ही काम की टिप है, इस टिप को आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सबसे पहला टिप मेरा इस तरीके से LED ग्लो की है। दोस्तों, इस तरीके की जो LED हम लोग चलाते हैं, आपने देखा होगा कि चलाते चलाते कभी ऐसा होता है ना कि ये जो जिसके लिए नाइट बल्ब जलाने के लिए बल्ब नहीं रहता है, या फिर हम कम रोशनी का बल्ब चलाना चाहे तो हम हैंड टू हैंड ला नहीं सकते हैं, या फिर हमारे पास रहता नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके के बैलून हम सभी के घर में रहता ही है। बर्थडे वगैरह के बैलून एक दो दो चार बची जाता है, हम रखे रहते हैं अपने घर में। तो इस तरीके से बैलून को ले लेना है, और यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने काट लिया है और इसके ऊपर लगा दिया है। अब देखिए, हमारा अच्छी तरीके से कवर हो चुका है, ठीक है। अच्छी तरीके से मैंने इसको कवर कर दिया है। अब देखिए, मैं बल्ब लगा के दिखा रही हूँ आपको, लाइट बंद है। अब देखिए, नाइट बल्ब को पूरा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अगली ट्रिक दोस्तों, इस तरीके की जो लड़ियाँ होती है, आपने देखा होगा कि जब हम लड़ी को दिवाली टाइम आता है, हम इसको लटका के रखते हैं 10 से 15 दिन तक के, लेकिन क्या होता है, इसमें मॉइस्चर, चिपचिपा या इसमें फंगस वगैरह धीरे धीरे लग जाते हैं या चिपचिपा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इसी तरीके से रख देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे लड़ी में कार्बन वगैरह आ जाता है और हमारा लड़ी इस तरीके से धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो बस देखिए क्या करना है, गैस को जला लेना है। गैस को जलाने के बाद जब हमारा कुकर गर्म हो जाता है, तो गैस का फ्लेम कर देना है बंद, और इसके अंदर लड़ी डाल के और इसको बंद करके रख देना है, ठीक है। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब आप देखेंगे कि जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह है, बहुत ही इजीली तरीके से ये ठीक हो जाएगा। और आपकी लड़ी आप कितनी भी लंबे समय तक की रखेंगे, लड़ी आपकी ख़राब नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, मेरा आजमाया हुआ ट्रिक है। दीपावली के समय में जब हम लड़ी को जलाते हैं, तो इस तरीके से हमारी लड़ियाँ बहुत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, लड़ी को बिल्कुल ख़राब ना करें, और इस तरीके से सेफ्टी रखने के लिए, क्योंकि हम एक साल बाद ही निकालते हैं, या हमारे घर में कोई फंगस वगैरह फंक्शन वगैरह रहता है जब ही निकालते हैं। तो इस ट्रिक को आप ट्राई करेंगे ना, तो आपकी लड़ी लंबे समय तक की चलेगी और आपकी लड़ी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। अब देखिए, इस तरीके से जो लड़ी होती है ना, आपने देखा होगा कि लड़ी हम बहुत से रखने के लिए सोचते भी हैं कि हम इसको कैसे रखें, कहाँ रखें, लेकिन ये होते हैं कि इस दीपावली तो बीत गई, लेकिन ये है कि आने वाली दीपावली पे हम इसको कुछ नया डेकोरेट करें। जब दोस्तों हम इस तरीके की लड़ियाँ लेने जाते हैं ना मार्केट से, तो ये हमारी जो लड़ियाँ होती है ना, बहुत ही महंगी मिलती है। जी हाँ, बहुत ही महंगी मिलती है। तो आज मैं ये जो लड़ी है, जो लड़ी लाइट वाली लड़ी है, तो आज मैं इसको थोड़ा सा लुक देने वाली हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये इस टाइप में सिल्क वाला कपड़ा रखा हुआ है, जो बुटीक का काम करता है। तो मैं थोड़ा अपना सिलाई वगैरह करती हूँ, तो जो मेरे पास ऐसे कपड़े रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के कपड़े बिल्कुल भी नहीं फेंकती, मैं अपने काम के लिए रखती हूँ। तो इस तरीके का जो कपड़ा है, मैं अपने काम के लिए रखती हूँ, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो अब देखिए, 2 से 3 इंच के बीच में मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ, और कटिंग करने के बाद इसकी लंबाई एंड चौड़ाई, मतलब ये कि 2 से 3 इंच इस तरीके से मुझे खाने से काट लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये डबल है, तो इसी तरीके से मैं ये जो कपड़े मैंने काटा हुआ है, इसको काट लेते हैं। और दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिजाइन, चाहे जैसे भी आप टेढ़ी मेढ़ी इसको कटिंग कर देंगे ना, तो इसमें डिजाइन सब बनी जाएगा। अब देखिए, मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसको टेढ़ा मेढ़ा इसी में कटिंग कर दे रही हूँ, तो ये हल्का सा डिजाइन सब बन जाएगा। अब देखिए, इस तरीके से मैंने काट लिया है इसको, तो आप देख पा रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत इसमें लुक आ रहा है इस तरीके से, तो यही बहुत है। तो दोस्तों, अभी की दिवाली तो हमारी चली गई, लेकिन अभी की जो दिवाली आएगी, इस तरीके से आप अपने घर की जो लड़ियाँ जितनी है, आप बहुत इजी तरीके से आप अपने घर की लड़ी को सजा सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक कपड़ा काट लिया है, और दूसरा कपड़ा मेरे पास ये क्रीम कलर का रखा हुआ है। जी हाँ, मेहरून और क्रीम का मैं लुक देने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले काटा है, बिल्कुल सेम प्रोसेस क्रीम कलर में करना है। तो चलिए, तो मैं जो क्रीम कलर है, इसमें भी इसी तरीके से बिल्कुल कटिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मैं दिखा रही हूँ कि जैसे कि पहले मैंने काटा हुआ, इसी तरीके से मैं इसको भी काट लेती हूँ, और काटने के बाद मैं इसका लुक दिखाऊंगी आपको कि कैसा लग रहा है। तो मैंने, मुझे भी नहीं यकीन हो रहा था, लेकिन मैंने अपने घर में जब इस तरीके की लड़ियाँ बनाई ना, तो मेरा बेटा भी काफ़ी अच्छा कह रहा है कि मम्मा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप इस तरीके से 3-4 लड़ियों में और लगा के इस तरीके से गोटे रख लो।
तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगी, देखिए मैंने ग्लू मशीन लिया है, आप चाहे तो फेविकोल अब या फेविक्यूब से किसी भी चीज़ से इस तरीके से हल्का से मैंने इसको बीच में से कट कर लेना है। और कट करने के बाद अब देखिए इसको थोड़ा सा ना फूल टाइप में इसको गहराई देके इस तरीके जैसे कि अब आप देखिए मैं इसको फोल्ड करके लगाऊंगी, तो जितना कि मैंने क्रीम कलर का और मेहरून कलर का काटा हुआ है ना, तो इसको मैं अच्छी तरीके से कट कर लेती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये अच्छी तरीके से मैंने बीच में से जितने भी क्रीम कलर है मेहरून कलर है मैं इनको कट कर लेती हूँ। और दोस्तों कट करने के बाद मैं आगे की प्रोसेस बताऊँगी कि मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जी हाँ, अब जितना भी मैंने काटा हुआ है दोस्तों ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से कपड़े में या आपके पास कोई भी वैसी गोटा है जैसे कि साड़ी के लेस वगैरह है आप उनकी भी कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसी कपड़े के ही कर रहे हैं कोई मतलब फैंसी, आप किसी भी कपड़े के आप बनाएंगे ना जैसे साड़ी की लेस वगैरह है ना उनके भी बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा लुक लगता है। तो दोस्तों अब देखिए मैंने इस तरीके से काट लिया है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए इस तरीके से बस इस तार के बीच में रखना है और तार के बीच में रखते हुए बस इस तरीके से ग्लू से आपको चिपकाते जाना है, ग्लू हो या फेविकोल हो, फेविक्यूब हो या फेविकोल हो। लेकिन मानिए दोस्तों जब इस तरीके से लगा के जब आप अपने घर को डेकोरेट करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा, पूछने वाले पूछते ही रहेंगे कि आपने इसको किस तरीके से डेकोरेट किया। जी हाँ, छोटा सा ट्रिक है दोस्तों पर बहुत ही काम का है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि ये ट्रिप आप में भी शेयर कर दें। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसको किया है ना तो आप देखेंगे ना, आप देखिए इसको लगभग ही मेरी बहुत ही लंबी लरी है, बहुत बड़ी है ये। अब देखिए लगभग मैंने तो इतना लगा दिया है, अब आगे भी देखते रहिएगा और दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फूलवाद जरूर कीजिएगा, नहीं तो वीडियो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को ज़रा से भी वीडियो पसंद आता है, टिप और एंट्रिप इनमें से कोई सा भी पसंद आता है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ अपने गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा। अब देखिए मैंने बातों बातों में इतनी सारी लरी में लगा लिया है, बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका, इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई पैसे खर्च नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आप इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ग्लू से अब इस तरीके से अच्छी तरीके से कुछ लरी में मैंने लगा दिया है क्रीम और मेहरून, तो इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। चाहे तो आप एक जैसे कि जो बल्ब का बीच का गैप है इसमें आप दो दो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक एक किया है फिर भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखिए मैंने इसी तरीके से लगा लिया है, अब मैं आगे भी बताऊंगी कि इसको इसी तरीके से लगाने के बाद मेरी कितनी बड़ी लरी में ये लग चुका है और मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी इसको कि ये लगाने के बाद कितना बढ़िया और कितना सुंदर लग रहा है। जी हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने लरी में लगा लिया है और लगाने के बाद काफ़ी ये सुंदर लग रहा है। आप इसको अब कहीं भी डेकोरेट करना चाहे, कहीं भी अपने घर में लगाना चाहें, आप इसको बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए मैं अपने दरवाजे के पास लगा के दिखाती हूँ, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखिए दोस्तों मैंने जला के भी अब इसमें मैंने फूल से काट के लगा दी है कपड़े के, कि जो कभी ख़राब भी होने वाले नहीं है, अगर गंदा है तो आप इसको धुल भी सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत इजी, बहुत ही आसान तरीका है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों अगला ट्रिक है कि जो लरी हम रखते हैं कभी बेकार समझ के, कभी रखते चूहा वगैरह भी काट देते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे इजी और आसान तरीका ये है कि आपकी लरी चूहा भी नहीं काटेगा और आप अपनी लरी को बिल्कुल सेफ रखें, सुरक्षित रखें। बस एक बॉटल ले लीजिए, अब बॉटल को बीच सेंटर से कटिंग कर लेना है, जो लरी का भी ब्लैक है ना इसको बस आपको बाहर निकाल लेना है। अब बाहर निकालने के बाद बस क्या करना है, लरी को आपको बॉटल के अंदर रख लेना है और रखने के बाद बस आप इसको इसके अंदर डाल दीजिए। और दोस्तों इसको जब डालने के बाद आप इसको कहीं भी रख के सजावट के लिए या कहीं भी मतलब आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह है तो इस तरीके से दो से चार लड़ियां आप अपने घर में बॉटल में रख के आप इसको कहीं भी जला सकते हैं। अब देखिए जब इस तरीके से जलाएंगे ना तो कोई नहीं यकीन करेगा कि आपने इस तरीके से इसको कैसे जलाया और कैसे रखा। अब देखिए आपकी लरी भी सेफ्टी रहेगी और आपका ये जो लरी है देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। तो मैंने लाइट बंद करके दिखाया है आपको, थोड़ा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस ट्रिक को मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा, ट्रिक पसंद आता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।